हाय एवरीवन, वेलकम टू सन इन्फोटेक। दोस्तों, IBPS का बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट अभी निकला है, 9000 पोजीशंस है। तो ये पोजीशंस के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसा करना है, कहाँ से करना है, ये मैं आपको ये वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो आपको IBPS.in ये URL पे जाना है। ये URL डालने के बाद आपको पूरा यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आ जाएगा। यहाँ से आप क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन CRP RRBS ये लिंक पे क्लिक करके ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हो। और यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से एक PDF आपको मिल जाएगी। PDF में आप देख सकते हो पूरा इंस्ट्रक्शन दिया है, कौन से बैंक की जगह यहाँ पर है ये आप देख सकते हो, एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो, वैकेंसी देख सकते हो। ये पूरा आप ये PDF के अंदर देख सकते हो। तो इस तरह से ये PDF 51 पेजेस का PDF आप पूरा इंस्ट्रक्शन देख सकते हो। तो जैसे ही आप एलिजिबल हो तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हो। तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए आपको ये जो लिंक यहाँ पे स्क्रॉल हो रहा है, तो ये स्क्रॉलिंग लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो ये लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जो यहाँ पर लिंक डिस्प्ले हो रहा है, तो क्लिक करने के बाद आपको ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पर अलग अलग पोस्ट है, जैसे कि मल्टीपर्पज ऑफिस असिस्टेंट, मल्टीपर्पज, देन ऑफिसर Scale 1, ऑफिसर Scale 2 एंड Scale 3, एंड ऑफिसर Scale 1, 2 एंड 3, ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज। तो ये अलग अलग जो लिंक यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट है और यहाँ से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं कि मल्टीपर्पज के लिए, ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए आपको एप्लीकेशन करना है। तो अगर आप क्लिक करते हो तो एक अलग सा टैब ओपन हो जाएगा, और ये टैब के अंदर आपको यहाँ पर जो आपको डेट डिस्प्ले हो जाएगी कि कहाँ कब से ये स्टार्ट हुआ, 1/7/2020 से या शुरू हो गया है। अभी लास्ट डेट जो है 21 जुलाई, ये इसका लास्ट डेट है। तो एप्लीकेशन एडिट करने के लिए भी 21 तारीख है, और एप्लीकेशन प्रिंट करने के लिए आप 5-8 5 अगस्त तक आप प्रिंट कर सकते हो, और ऑनलाइन पेमेंट जो है आपको 21 तारीख तक ही करना है। तो यहाँ से अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर्ड किया है तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हो, चेक कर सकते हो। तभी न्यू रजिस्ट्रेशन है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो आप ये एप्लीकेशन फिल करने के लिए क्रोम का लेटेस्ट वर्जन यूज़ करिए, जो इसमें प्रॉब्लम नहीं आता है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन यहाँ पर फिलअप करना है। तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन आ जाते हैं, इंस्ट्रक्शन आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। तो ये इंस्ट्रक्शन में ये बताया गया है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको करेक्टली फिल करना है, और इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये आपको पढ़ के, ये देख के आपको फॉर्म फिल करना है। देन जो एप्लीकेशन फीस जो है ये ऑनलाइन मोड से ही पे करना है, ऑफलाइन से आप पे नहीं कर सकते हैं। तो ये जो पूरा इंस्ट्रक्शन है आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो अभी देखते हैं ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या डिटेल फिलअप करना है। तो बेसिक, पहला जो स्टेज है बेसिक इन्फो, बेसिक इन्फो में आपको ये पूरा इन्फॉर्मेशन फिल करना है कैपिटल लेटर में, जैसे कि फर्स्ट नेम या कंफर्म फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, यहाँ पे आपको एक्यूरेटली डालना है। देन मोबाइल नंबर आपको डालना है, मोबाइल नंबर 2 बार आपको यहाँ पे एंटर करना है, और आपका ईमेल आईडी एक्यूरेटली डालना है, क्योंकि पूरा जो कम्युनिकेशन होता है ये ईमेल आईडी के ऊपर होता है। तो ये ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करते थे। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने फिलअप किया है, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडल नेम, मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, और यहाँ पर आपको यहाँ पर जो कोड दिख रहा है ये आपको यहाँ पे डालना है। तो ये कोड, ये पूरा इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपको 7 नेक्स्ट करना है। तो दोस्तों, ये स्टेप में हमें फोटो और साइन अपलोड करना है। तो फोटोज, आपका फोटो के कोई जो भी रूल्स है यहाँ पे दिए हैं कि 4.5 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर आपका ये फोटो होना चाहिए, रिसेंट होना चाहिए, और इसका डायमेंशन जो है 200 बाय 230 पिक्सल्स होना चाहिए, और इसकी जो मेमोरी साइज है, फाइल की साइज है 20 KB 250 KB इसके अंदर होना चाहिए। तो ये आप फोटो आप को स्कैन करके रखना होगा। इसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक इसकी दी है कि कैसे क्रॉप करना है। तो ये फोटो और साइन आप यहाँ पे अपलोड करना है। तो इस तरह से आप ब्राउज करो, ब्राउज करने के बाद जहाँ पर भी आपके फोटोग्राफ्स आपने रखे हैं
तो ये फोटोग्राफ्स आप सिलेक्ट करो और इसे ओपन करो तो फोटोग्राफ्स और साइन यहाँ पर आ जाएगी। सिग्नेचर सिमिलर प्रोसेस आपको सिलेक्ट करना है और जो भी आप सिग्नेचर आप पेज के ऊपर करते हो वो ब्लैक पेन से करना है। तो इस तरह से आप ये फोटोज और सिग्नेचर अपलोड करके नेक्स्ट स्टेप जो है आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो नेक्स्ट जो भी है नेक्स्ट स्टेप पे जो भी आप जाते हो तो कुछ इंस्ट्रक्शन आपको पीडीएफ में आ जाते हैं और आप वो इंस्ट्रक्शन पढ़ के तभी क्या करते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है अभी डिटेल्स के अंदर, जैसे कि बेसिक इन्फो हो गया, फोटो सिग्नेचर हो गया, अभी डिटेल्स के अंदर क्या क्या फिलअप करना है ये देखते हैं। तो इसमें जो बेसिक डिटेल, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, लैंग्वेज एंड प्रेफरेंस, ये तीन स्टेप है। तो इसमें क्या है देखते हैं। तो यहाँ पर आपको कैटेगरी कास्ट कैटेगरी सेलेक्ट करना है, जनरल, EWS, OBC, ST और SC से आप जो भी है आप सिलेक्ट करना है। देन अगर आप डिसेबिलिटी है आपका तो ये डिसेबिलिटी यहाँ से येस और नो कर सकते हैं। अगर है तो येस करने के बाद आपको यहाँ पे टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सिलेक्ट करना होगा और ये टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सिलेक्ट करने के बाद आपको हर एक ऑप्शन नीचे अवेलेबल हो जाएगा, जिस जो भी जिस टाइप से आप सिलेक्ट कर रहे हो तो ये आप यहाँ से सिलेक्ट करना है। इस तरह से आप अगर OC है तो इसका अगर सब टाइप जो है आपको सिलेक्ट करना होगा यहाँ से। और ये करने के बाद नीचे आप अगर आपकी मल्टीपल डिसेबिलिटी है तो आप कंट्रोल क्लिक करके आप मल्टीपल डिसेबिलिटी शो कर सकते हो। तो यहाँ पर नीचे कुछ ऑप्शंस आपको दिए हैं जो अगर आपको जो भी लागू होता है ये इसे आप सिलेक्ट करना है। यहाँ पर नीचे आपको रिलीजन सेलेक्ट करना है, जो भी आपका रिलीजन है यहाँ पर सेलेक्ट करके देना है। माइनॉरिटी कम्युनिटी से अगर है तो यस नो, और ये एक सर्विसमैन है तो यस नो आपको करना है। तो इस तरह से आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन फिलअप। तो यहाँ पर नीचे जो है नेशनलिटी और सिटीजनशिप आपको सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपका स्टेट, जो जिस स्टेट से आप एग्जाम हो तो ये स्टेट आपको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जाम का जो सेंटर है आप यहाँ से आप सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपका स्टेट है वो स्टेट के हिसाब से जितने भी सेंटर्स हैं वो यहाँ पर आ जाएगी। तो ये सेंटर सेलेक्ट करो और सेंटर ऑफ मेन एग्जामिनेशन, यहाँ ये जो है ये पोस्ट में प्री एग्जामिनेशन एंड मेन एग्जामिनेशन दो एग्जामिनेशन होते हैं। तो मेन एग्जामिनेशन के लिए जो भी सेंटर आपको सूटेबल है तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। देन नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल में से आपको सेलेक्ट करना है। देन और नीचे यहाँ पर आपको मैरिड एंड मैरिड विडो ये ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। देन यहाँ पे फादर नेम, मदर नेम, स्पाउस नेम और नीचे आपको एड्रेस डालना है। तो एड्रेस के लिए तीन फील्ड है, Address 1, Address 2, Address 3, और नीचे डिस्ट्रिक्ट डालना है। यहाँ पर आपका स्टेट जो भी है स्टेट सेलेक्ट करना है और नीचे पिन कोड डालना है। तो ये भी जो एड्रेस हम यहाँ पर एंटर करने वाले हैं तो अगर ये सेम है तो सेम एज एड्रेस करस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पे टिक कर देना है तो दोनों एड्रेस सेम आ जाएगी। तो ये पूरा फिल करने के बाद यहाँ पे चूज द एड्रेस फॉर GST इनवॉइस, इसके लिए आपको परमानेंट एड्रेस लिखना है या कम्युनिकेशन एड्रेस, तो यहाँ पर मैं कम्युनिकेशन एड्रेस लिख देता हूँ। तो यहाँ से आपका स्टेट और ये आ जाता है और आपका जो भी एप्लीकेशन फीस है यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है। तो यहाँ पर आपको वैलिडेट योर डिटेल के ऊपर क्लिक करना है। तो ये वैलिडेट होने के बाद आपका अगर एरर्स इसमें कुछ प्रॉब्लम है डिटेल्स के अंदर तो यहाँ पे ओनर मोर एरर फाउंड इन पेज कुछ तो भी प्रॉब्लम यहाँ पे, जैसे कि अभी प्लीज एंटर स्पाउस नेम, यहाँ पर अगर आपने मैरिड दिखाया है तो यहाँ पे स्पाउस नेम डालना जरूरी है। तो फिर से एक बार वैलिडेट करो तो वैलिडेट वेरीफाइड सक्सेसफुल आ जाता है। और ये सक्सेसफुल आने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वालिफिकेशन में यहाँ पे कुछ नोट दिया है तो इसके हिसाब से आपको यहाँ पे आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल डालना है। जैसे कि यहाँ पर ग्रेजुएशन डिटेल जो है तो आपका जो भी स्ट्रीम है ये स्ट्रीम सेलेक्ट करो। स्ट्रीम सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग डालना है और आगे के फील्ड में यहाँ पे परसेंट मार्क्स डालना है और आपका जो भी ग्रेड है ये यहाँ पर एंटर करना है। तो सिमिलरली पोस्ट ग्रेजुएशन है तो पोस्ट ग्रेजुएशन का सिमिलर इन्फॉर्मेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो वो यहाँ पर आप डाल सकते हो और अदर कुछ क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो।
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालने के बाद आपको यहाँ पर पूछता है कि कंप्यूटर नॉलेज है क्या, तो यहाँ आपको यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज डालना होगा। यस अगर है तो आपका क्या नॉलेज है, तो आप यहाँ से लिख सकते हो। उसके बाद अगर आपका जो भी स्टेट है वो स्टेट का लोकल लैंग्वेज आपने स्टडी किया है कि 8th स्टैंडर्ड तक या आगे के कोई भी स्टैंडर्ड तक आपने स्टडी किया है, तो आपको यहाँ पे यस करना होगा। जो भी स्टेट आप सिलेक्ट करते हो तो वहाँ का रीजनल लैंग्वेज जो है आ जाता है। इसी मैंने महाराष्ट्र सिलेक्ट किया है, तो महाराष्ट्र का रीजनल लैंग्वेज मराठी यहाँ पर आया है। नेक्स्ट सेक्शन में अगर आपको कुछ वर्क एक्सपीरियंस है तो आप वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे डाल सकते हो। तो वर्क एक्सपीरियंस के लिए आपका एम्प्लॉयर का नेम यहाँ पे डालना होगा, डेजिग्नेशन यहाँ पे डालना होगा, और कब से कब तक आपने काम किया है ये पूरा डेट यहाँ पे डाल के, नेचर ऑफ ड्यूटीज यहाँ पे डालना है, जैसे कि अगर आप ऑपरेटर हो या क्लर्क हो तो ये आपको पोजिशन यहाँ पे डालना हो, और आप क्यों रिजाइन कर रहे हैं ये रीजन आपको यहाँ पे डालना है, और टोटल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे डालना, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। तो जितने भी सारे एक्सपीरियंस है तो आप ऐड मोर करके स्टेप बाय स्टेप, अगर आपने एम्प्लॉयर चेंज किए तो यहाँ पे ऐड मोर करके आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। नीचे जो ऑप्शन है अदर डिटेल में, अगर आपको प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग अगर चाहिए तो ये ट्रेनिंग SC ST माइनॉरिटी कम्युनिटी और PWD स्टूडेंट के लिए होता है, तो आप अगर है इससे तो आप ले सकते हो। यहाँ से जितने भी सेंटर्स हैं आप यहाँ से सेंटर सेलेक्ट कर सकते हो, अगर नहीं तो इसे नो कर दो। तो जो भी नीचे जो है कि आपको कौन से लैंग्वेजेस आते हैं, लैंग्वेजेस नो ये आपको फिल करना है। तो इस तरह से ये लैंग्वेज एंटर करके आपको ये रीड राइट ऑप्शंस ऑन करना है, फिर से ये जो पेज की इंफॉर्मेशन फिलअप किया है इसे वैलिडेट करना है। तो यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन फिलअप करना सेलेक्ट करना जरूरी है, जैसे कि आपको कुछ प्रोसिक्यूशन डिटेंशन फाइन अगर हुआ है तो ये आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना है, तो यहाँ पे नो करके फिर से मैं वैलिडेट कर देता हूँ। तो यहाँ पर वेरीफाइड सक्सेसफुल आ गए, तो ये होने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट टैब आ जाएगा। तो नेक्स्ट टैब में आपको प्रेफरेंसेस देना है कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में ये जगह है तो इससे आपको प्रेफरेंस देना है। तो ये प्रेफरेंसेस, ये बैंक्स आप PDF में भी देख सकते हो, यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन PDF होता है जो डाउनलोड किया था, तो यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग RRB जो है, रूरल बैंक जो है, तो ये इतने सारे बैंक्स है, तो आपके स्टेट के हिसाब से कौन से बैंक है तो ये आप देखो यहाँ से देख सकते हो, तो वही आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो आप यहाँ से प्रेफरेंस दे सकते हो। तो जो भी अगर बहुत सारे ब्रांचेस है तो आप कौन सा प्रेफरेंस पहला देना है यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, और फिर से इसे वैलिडिटी और डिटेल करना है, और ये करने के बाद ओके करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको आपका फॉर्म का प्रीव्यू आ जाता है, ये आप चेक करके देख सकते हो। देखो तो इस तरह से आप पूरा डिटेल चेक करना है, चेक करने के बाद आपका फोटो साइन ये पूरा चेक करके यहाँ पर आई एग्री और आई कंफर्म दिस इज माई सिग्नेचर, ये क्लिक करके आपको फाइनल सबमिट कर देना है। तो दोस्तों अभी अपने सेक्शन जो कंप्लीट हो गए, बेसिक इन्फो, फोटो सिग्नेचर, डिटेल, प्रीव्यू, एंड अभी नेक्स्ट जो है अपलोड। अभी यहाँ पर आपको अपलोड करना है कि लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, आपका लेफ्ट थंब जो है व्हाइट पेपर के ऊपर आप स्कैन करना है, कि जैसे कि आप इंक लगा के आपको ये व्हाइट पेपर पे लगाना है और उसे स्कैन करना है, देन हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको देना है, तो ये आपको यहाँ से अपलोड करना है। तो इसके कुछ इंस्ट्रक्शन है, गाइडलाइंस है। तो ये गाइडलाइंस क्या है कि लेफ्ट थंब अगर आपको स्कैन करना है तो स्कैनर का डायमेंशन 240x240 पिक्सल्स, 200 DPI रखना है, और 3x3 सेंटीमीटर का ये आपका हाइट विड्थ आपको ये थंब इम्प्रेशन के फाइल का होना चाहिए। हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन शुड नॉट बी रिटन इन कैपिटल लेटर्स, इस आप जैसे भी लिखते हो पेज में तो ये पूरा कैपिटल में नहीं होना चाहिए, तो ये आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन लिखना है पेज में और इसे स्कैन करना है। तो इसका स्कैनिंग डायमेंशन जो है 800x400, 200 DPI से लेना है, और इसका विड्थ जो है 10 सेंटीमीटर बाय 5, ये आपको हाइट विड्थ आपको लिखना है, और इसका फाइल साइज 50 KB से 100 KB के अंदर आपको होना चाहिए, तो ये आपको यहाँ से अपलोड करना है। तो दोस्तों हैंड रिटन डिक्लेरेशन में आपको लिखना है कि इस तरह से टेक्स्ट लिखना है कि आपका नाम
और हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट एंड ट्रू एंड वैलिड। तो ये लिख के आपको ये साइन करके ये स्कैन करना है। तो ये जो PDF लिंक है ये भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रखी है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। ये अटैच करने के बाद आप यहाँ से रिव्यू भी देख सकते हो कि क्या आपने अटैच किया है, बराबर किया है या नहीं। बाद में यहाँ पे आपको ये जो कोड है कैप्चा कोड आपको यहाँ पे फिल करना है। और ये फिल करके तो यहाँ से एक प्रॉम्प्ट आ जाएगा, आपको पूछेगा फिर से एक बार, और ओके करने के बाद आपको पेमेंट गेटवे पे जाना है। तो पेमेंट गेटवे पे जाने के बाद आपको यहाँ पर जो भी फीस आती है वह ये आपको पे करना है ऑनलाइन। तो यहाँ पर भी एक कैप्चा आपको पे इंसर्ट करना है। कैप्चा इंसर्ट करने के बाद आपको उसे सबमिट करना है। डू यू वांट टू सबमिट पूछता है, और आप उसे सबमिट ओके करके फिर नेक्स्ट पेमेंट गेटवे पे आपको लेके जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो है आप पेमेंट जो करना है तो आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो। अगर आप डेबिट कार्ड सेलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पे डेबिट कार्ड नाम आपको इंसर्ट करना है। यहाँ पे मंथ होता है, एक्सपायरी डेट, मंथ और ईयर, और यहाँ पे कार्ड के पीछे जो CVV नंबर होता है ये आपको डालना है, और जो भी कार्ड होल्डर का नाम है ये डाल के इसे मेक पेमेंट कर देना है। तो आप पेमेंट इस तरह से आप कर सकते हो। डेबिट कार्ड विथ पिन नंबर अगर आप लेते हो तो डेबिट कार्ड आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, जो भी डेबिट कार्ड है, और सिलेक्ट करने के बाद मेक पेमेंट करने के बाद आपको जो आपका जो भी पिन होगा ATM का ये पूछेगा, पिन डालने के बाद पेमेंट हो जाएगा। इंटरनेट बैंकिंग का भी वैसी सिमिलर है, आपको बैंक सेलेक्ट करना है जो भी आपका इंटरनेट बैंकिंग है, और बैंक सेलेक्ट करने के बाद आपको मेक पेमेंट करने के बाद यूजर आईडी और पासवर्ड डालने के बाद आपको OTP आ जाएगा, OTP के बाद आपका पेमेंट हो जाएगा। इस तरह से वॉलेट और कैश कार्ड ये यूज करके UPI यूज करके भी आप पेमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आपको कोई डिफिकल्टी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, पूछ सकते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करो। इस तरह से नए और टेक्निकल वीडियो आपके लिए मैं लाते रहता हूँ। ये वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।